अहम खबर शामिल करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जेल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ दरख्वास्त कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत के हुक्म पर चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी जेल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कल तलब कर लिया। परवेज इलाही साहब बताएं कब से जेल में हैं। अदालत का परवेज इलाही से सवाल, जेल में मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं, परवेज इलाही का अदालत में जवाब। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर। जी शादाब कहिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाप्त हुई। चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाप्त की। फाजिल अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं क्या सहूलियात दी जा रही हैं आपको अदालत में, जिस पर चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि ये यहाँ गलत बयानी करते हैं, जेल में कीड़े हैं, सांस नहीं लिया जाता है। चौधरी परवेज इलाही जो पंखा, उन्होंने कहा कि जो पंखा लगा है वो भी जो है वो ले गए हैं, जो पंखा लगा हुआ था। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे चलने में बहुत तकलीफ होती है। परवेज इलाही का ये भी कहना था कि उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे जहां रखा गया है वहां अंदर से वॉशरूम, वो अंदर वॉशरूम है और तापमान की बदबू जो है वो बाईस सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस पर परवेज इलाही ने के बताएं, चौधरी परवेज इलाही साहब बताएं कि कब से जेल में हैं। फाजिल अदालत ने इस्तफसार किया। जेल में मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं है, परवेज इलाही का ये कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि जेल में जहां उन्हें रखा गया है वहां पर कीड़े मकोड़े हैं। उन्होंने कहा उन्हें बी क्लास फराहम नहीं की गई, उनके पाँव फूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में बजाय सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? अदालत का मुकालमा हुआ चौधरी परवेज इलाही से, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी गई, मुझे भी जमानत दी जाए। चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था, जिस पर अदालत कहकों से गूंज उठी। उन्होंने कहा कि जेल कोई सहूलत नहीं दी गई, वो जो कहा जा रहा है वो गलत बयानी से किया जा रहा है। अदालत ने आईजी जेल खानाजात और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कल तलब कर लिया है। जी शुक्रिया शादाब रियाज अपडेट कर रहे थे।